बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट की तैयारी के लिए साइकोलॉजी की एक पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परिश्रम और सफलता। दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही आसान शब्दों में ये सारी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई हैं गैलेक्सी टीम की तरफ से। इस प्रकार आप पूरे वीडियोज़ को देखने के बाद बहुत आसानी से साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और सीटेट में अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। 30 में 30 भी आ सकता है, वरना इसको देखने पे 25+26+ नंबर की गारंटी हम लेते हैं अगर आप इसको करने के बाद प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्नों को हम लोग भी सॉल्व करवाएंगे। पूरी सीरीज प्रश्नों की भी होगी, आप जुड़े रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। आज की क्लास में जिस टॉपिक की बात हम करेंगे उसका नाम है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। सबसे पहली बात आपको समझना यह चाहिए कि लैंगिक मुद्दे क्या हैं और समाज निर्माण का मतलब क्या है। जब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझेंगे, चैप्टर के नाम को नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, एक शब्द होता है लिंग। लिंग को हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। एक शब्द होता है लिंग, और लिंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। या इंग्लिश में इस तरीके से न लिख करके इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जेंडर। आपको अक्सर आपने पढ़ा होगा जेंडर का मतलब लिंग होता है, लेकिन इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना है। इस चैप्टर में लिंग और जेंडर दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, कैसे दो अलग अलग बातें हैं आप इसको समझिए। जेंडर और लिंग जो है दो अलग अलग बातें हैं। किस प्रकार से अलग है उसको समझिए। हमने कहा आप हर व्यक्ति के जीवन में एक समाज होता है। हमारे आसपास जो भी लोग उपस्थित हैं वो किसके अंग हैं? समाज के अंग हैं। एक इसी से जुड़ा हुआ आपका टॉपिक इससे पहले जो आपने पढ़ा उसका नाम था समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है समाज के अनुसार चलना या समाज में अपने आप को अनुकूलित करना, समायोजित करना। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि समाज में बालक जब एडजस्ट हो जाता है, तालमेल लोगों से बिठा के चलने लगता है, मिलनसार हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बालक में समाजीकरण चल रहा है। अर्थात लड़ाई झगड़ा, बहस किसी से, मतलब ऐसा नहीं कि वो हर जगह अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, जहां वो एडजस्ट हो जाता है हर नियम, समाज के नियमों के अनुसार, समाज के रीत रिवाजों के अनुसार, जब वो एडजस्ट हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन कहते हैं या समाजीकरण कहते हैं। फिलहाल आज हमारा टॉपिक ये है कि जो लैंगिक मुद्दे हैं, जो जेंडर इशूज हैं उनकी क्या भूमिका है इस समाज में या इस समाजीकरण में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जेंडर एवं लिंग जो हेडिंग है उसके बारे में, जेंडर और लिंग आते हैं इस चैप्टर में। इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे बॉय मींस लड़का, जेंडर मींस लिंग, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये समझना होगा कि जेंडर समाज की देन है और लिंग हमारे प्रकृति की देन है। अर्थात लिंग एक जैविक संरचना है, जबकि जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। याद रखिएगा, आपको फिर मैं बता रहा हूं कि लिंग की इंग्लिश जेंडर ही होती है, यह सत्य है, लेकिन आप इस चैप्टर में इसे इस रूप में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जेंडर को अलग मानेंगे, लिंग को अलग मानेंगे और जेंडर को अलग मानेंगे। लिंग क्या है? लिंग एक जैविक संरचना है। लड़की होना, लड़का होना, ये एक हमारे वंश की देन है, लैंगिक संरचना है, जैविक संरचना है। ये प्रकृति प्रदत्त होती है, ये स्थिर होती है, मतलब अपरिवर्तनशील होती है। किंतु जो जेंडर है ये समाज की देन है, ये एक सामाजिक संरचना है, ये परिवर्तनशील भी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग क्या है, जैविक संरचना की आया हुआ प्रश्न है, लिंग क्या है, जैविक संरचना की सामाजिक संरचना, तो आप बताओगे ये जैविक संरचना है। जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना है। ये कैसी है? प्रकृति प्रदत्त है। ये कैसी है? सामाजिक है। ये कैसी है? स्थिर है। ये कैसा है? परिवर्तनशील है। ठीक है, तो लिंग और जेंडर से संबंधित एक आध दो प्रश्न आपसे पूछते हैं जो इस पीपीटी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो। आइए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक मुद्दे का मतलब होता है, लैंगिक मुद्दे को समझने के लिए हमें लैंगिक भेदभाव को समझना पड़ेगा।
ठीक है। लैंगिक भेदभाव का मतलब होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव का मतलब क्या होता है, देखो समाज के दो ही अंग हैं, समाज के दो ही अंग हैं जिसे हम कहते हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। मेल और फीमेल समाज रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, एक का नाम है मेल और एक का नाम है फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों जब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो इनमें भेदभाव क्यों किया जाता है, प्रश्न ये है। अगर भेदभाव किया जाएगा तो सिक्के की वैल्यू घट जाएगी या सिक्का खोटा हो सकता है। तो कहने का मतलब कि समाज में जब मेल और फीमेल में भेदभाव किया जाने लगता है तो इसी को कहते हैं लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव। अच्छा, ये जो भेदभाव किया जा रहा है इसका क्षेत्र क्या हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक में, राजनीतिक में, खेल में, मनोरंजन में, है ना। इसको समझिए, जैसे ये कहा जाता है कि बच्चा है, लड़का है तो रात को कोचिंग पढ़ के आ सकता है, लड़कियां नहीं आ सकती। लड़का डॉक्टर बन सकता है, लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती। लड़का इंजीनियर बन सकता है, लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती। लड़कियां 11 12 तक पढ़ लें, लिखना पढ़ना सीख जाएं, इतना बहुत है। लड़कियां केवल घर के काम करने के लिए बनी हुई हैं। ये जो बातें हैं ये भेदभाव को, ये मतलब थोड़ा सा संकीर्ण विचार को प्रदर्शित करती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक भेदभाव। जैसे शिक्षा में लड़के इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, लड़कियां नहीं हो सकती। सामाजिक क्षेत्र में लड़के समाज में पुरुष प्रधान समाज है, मातृपक्ष कमजोर होता है, भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पुरुषों का वर्चस्व इतिहास से चला आ रहा है। राजा 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 आप पढ़ते हो, रानी आपने कभी नहीं पढ़ा, एक रानी को आपने पढ़ा है, रानी लक्ष्मीबाई को, है ना। तो किताबें भी बहुत मायने रखती हैं हमारे मस्तिष्क की संरचना में। जिस प्रकार की चीजें हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार की चीजें हम देखते हैं, उसी प्रकार की संरचना हमारे मस्तिष्क में निर्मित होती है। तो सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में भी भेदभाव किया जाता है। आप देखे होंगे कि मजदूरी जो विलेज साइड में, जो पुरुषों को पहले पुराने समय में मजदूरी ज्यादा दी जाती थी, इन्हें कम दिया जाता था। आर्थिक रूप से पुरुष ज्यादा मजबूत हैं, महिलाएं कम मजबूत हैं। आपको बताएं, एक विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार, ये कहा गया कि जिस समाज में, जिस देश में आर्थिक क्षेत्र में औरतें नहीं होती हैं, वो क्षेत्र विकसित, वो देश विकसित नहीं बल्कि विकासशील या अल्प विकसित की श्रेणी में आते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में आप देख लीजिए, जितने सांसद आदमी चुने गए हैं उतने सांसद औरतें नहीं चुनी गई हैं। खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी भेदभाव किया जा रहा है। लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियों के लिए क्रिकेट नहीं है, लड़कियां बैडमिंटन खेल सकती हैं। अब बहुत कुछ, बहुत हद तक इसे खत्म किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जरूरत है कि इसे किस प्रकार से एकदम अंतिम रूप से निर्णय लिया जा सके कि आज के बाद से हमारे समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा, ठीक है। ये जेंडर पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, जेंडर को इक्वल किया जा सकता है, लिंग को इक्वल नहीं किया जा सकता, अर्थात सामाजिक रूप से मेल फीमेल को बराबर किया जा सकता है, लेकिन प्रकृति रूप से, प्राकृतिक रूप से उनकी संरचना अलग अलग होती है, उनमें समानता नहीं लाई जा सकती। हम जो बात कर रहे हैं वो हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, उसके शारीरिक संरचना की बात नहीं कर रहे हैं। अधिकार जो पुरुष को मिलते हैं वही महिलाओं को भी मिलने चाहिए, जो लड़कियों को मिलते हैं वो लड़कों को, जो लड़कों को मिलते हैं वो लड़कियों को, तो ही एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमने आपको लैंगिक भेदभाव समझाया, अब देखिए लैंगिक भेदभाव के इतने ही क्षेत्र नहीं बल्कि लैंगिक भेदभाव के कुछ अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। जैसे भाषा के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, जो इंग्लिश बोलते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, जो हिंदी बोलते हैं वो कम अच्छे हैं, जो मलयालम बोलते हैं और खराब हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं और खराब हैं। तो इस प्रकार की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हर भाषा के लिए समान भाव रखना चाहिए। जातीय भेद होता है, लड़कियां जैसे पुराने समय में राजा महाराजा उच्च कुल की लड़कियां रखते थे, निम्न कुल की लड़कियों को ध्यान नहीं देते थे, या उच्च कुल के पुरुषों को रखते थे, निम्न कुल के पुरुषों से दूसरा काम करवाते थे, तो ये जातीय विभेद भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल में ही
आज लड़ाई चल रही है अधिकारों में, फीमेल फीमेल में भी चल रही है। एक जाति की फीमेल को अच्छा माना जाता है, एक जाति की फीमेल को बुरा माना जाता है, एक जात एक भाषा की फीमेल को अच्छा माना जाता है, एक फीमेल की एक भाषा की फीमेल को बुरा माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, रंग के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता है, गोरे रंग को ज्यादा पसंद किया जाता है, कोई काला है सांवला है तो उससे घृणा की जाती है। स्थानीय विभेद किया जाता है, कहाँ रहते हैं किस देश के हैं, अफ्रीकन लोगों से लोग नफरत करते हैं, वो काले होते हैं ज्यादा सुंदर नहीं होते, अमेरिकन से ब्रिटेन से और भी जितने भी सुंदर भारत के लोगों से जो भी सुंदर देश के लोग हैं उनसे प्यार किया जाता है। तो कहने का मतलब कि स्थानीय विभेद भी समाज में फैला हुआ है। समाज का मतलब आज पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, सांस्कृतिक विभेद भी, कोई अपने धर्म को अच्छा कह रहा है, ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, तो धार्मिक आधार पे भी सांस्कृतिक आधार पे भी हमारे अंदर भेदभाव की भावना बैठी हुई है जो नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति में, एक शिक्षित व्यक्ति से ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, एक अच्छे टीचर से ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि वो अपने क्लास में इन सारे मुद्दों को बढ़ावा दे, इन सारे मुद्दों को उसको निम्न रूप से खत्म करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे करके उसे एंड कर देना चाहिए। आइए अब देखिए, हमने कहा कि जो लैंगिक भेदभाव है इनमें क्या समाज के लोगों के ही अंदर कमी है या कुछ और भी कमियां देखने को मिल सकती हैं? हाँ, केवल समाज के अंदर ही कमी नहीं है, इस लैंगिक भेदभाव को भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारी किताब की जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें जो कविता और कहानियां दी जाती हैं उसमें केवल पुरुषों का गुणगान किया जाता है, महिलाओं को सती प्रथा बताया जाता है, महिलाओं को दीनहीन बताया जाता है, कमजोर बताया जाता है। तो आपको सुधार करने की आवश्यकता है पाठ्यक्रम में। अच्छा, कोई लड़की अगर पढ़े महिलाओं के ऊपर पुराने समय में जो अत्याचार होते थे तो उसके मन में कौन सी भावना आएगी, नकारात्मक या सकारात्मक? जाहिर सी बात है उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं आएंगी। इसलिए सबसे पहली बात, यदि यह सुधार करना है तो पाठ्यक्रम में सुधार करना होगा, सिलेबस में सुधार करना होगा। फिर देखिए, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, वही बात, चाहे पाठ्यक्रम कहिए या पाठ्य पुस्तकें, इनमें भी महिलाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता कि केवल महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए, पुरुषों को हीन माना जाए, नहीं, दोनों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, अधिकारों के सापेक्ष में मैं कह रहा हूँ, है ना, संरचना के सापेक्ष में नहीं, दोनों को समान अधिकार देना चाहिए। अगर शहर में रह के लड़का पढ़ सकता है तो शहर में रह के लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, डॉक्टर अगर लड़का बन सकता है तो डॉक्टर लड़कियां भी बन सकती हैं, लेकिन दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सदाचार के और अच्छी भावनाओं से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। स्वतंत्रता देने का मतलब बर्बाद होना नहीं है, हमें लड़के लड़की को अधिकार स्वतंत्रता देना चाहिए, किंतु लड़के और लड़कियों को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी, एक बुद्धिमानी से जीवन जीना चाहिए। ठीक है, आइए फिर देखिए, पूर्वाग्रह क्या है, प्रेजुडिस, इस शब्द को हम समझेंगे अभी आगे की पीपीटी में। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पूर्व निर्धारित धारणा या विचार। जैसे आपने सुना होगा कि नहीं नहीं तुम लड़के हो, क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह। मतलब जो विचार हम हूबहू बिना तर्क वितर्क किए एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या है, जो विचार सदियों से चले आ रहे हैं और मैंने उसको हूबहू एक्सेप्ट कर लिया उसी को क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। अभी पूर्वाग्रह पे हम और बातें करते हैं। सामाजिक विचारधाराएं, समाज में भी कुछ ऐसी विचारधाराएं फैली हुई हैं, अरे तुम औरत हो ये न करो, तुम बाहर न निकलो, लोग आए हुए हैं, है ना, ठीक है नहीं निकलना चाहिए। संस्कृति और सभ्यता अलग चीज है लेकिन बंधन अलग चीज है, किसी को बंधन में नहीं रखना चाहिए, जीने का अधिकार सबको है, इस प्रकार से सोच करके आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो ये कुछ सहयोगी तथ्यों की बात हमने किया जो लैंगिक मुद्दों पे, जो लैंगिक मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। अभी हमने आपसे कहा था कि हम आपसे पूर्वाग्रह पे बात करेंगे या प्रेजुडिस पे बात करेंगे। आइए देखते हैं कि पूर्वाग्रह का मतलब क्या है। जैसे सबसे पहले लड़कों से संबंधित पूर्वाग्रह हम पढ़ते हैं। क्या है लड़कों से संबंधित पूर्वाग्रह, लड़के बलवान होते हैं
और लड़कियां कोमल होती हैं। चलिए ठीक है, होती हैं लड़कियां कोमल, लेकिन ये मान लेना गलत बात है। आप देखिए WWE देख लीजिए या किसी भी खेल में देखिए, उतना ही योगदान लड़कियों का है जितना कि लड़कों का है। शारीरिक संरचना अलग अलग हो सकती है, वो भगवान है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उनके अधिकारों में उनके लिए पूर्वाग्रह रखना ये गलत बात है। ठीक है, जैसे लड़के बलवान होते हैं लड़कियां कमजोर होती हैं, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लड़के नहीं रोते हैं, है ना, लड़कियां रोती रहती हैं। लड़कियां, लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए। अच्छा मान लो पढ़ते समय किसी लड़की का बाल उसे डिस्टर्ब कर रहा है और वो अपने बाल को छोटा करना चाहती है, लड़कों की तरह रखना चाहती है, तो क्या आप नहीं रखने देंगे? वो उसके जीने की स्वतंत्रता है, वो जिस टाइप का बाल रखना चाहे उस टाइप का उसे रखने देना चाहिए, बल्कि उसे बाउंडेशन में नहीं रखना चाहिए कि नहीं तुम बाल छोटे नहीं करवाओगी, तुम लड़की हो। ये आपके पूर्वाग्रह या संकीर्ण विचार को प्रदर्शित करता है। आइए कुछ और देखते हैं। घर के काम लड़के नहीं करेंगे, घर के काम को लड़कियां करती हैं, लड़कियां घर के काम को करती हैं, है ना। लड़के गणित और विज्ञान पढ़ेंगे, लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ेंगी, सेवई बनाना सीखेंगी, पूरी बनाना सीखेंगी। उनका विज्ञान और गणित के लिए नहीं बनी है, ये लड़के इसके लिए बने हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। लड़के बुढ़ापा में सहारा होते हैं, लड़कियां पराया धन होती हैं, एक दिन विदा होकर चली जाती हैं, है ना। ये सारी बातें समाज में जो फैली हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। अब जरूरत है इस पूर्वाग्रह से निकलने की। यहाँ हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे पहुंच गए, लड़कियां आसमान पे पहुंच गई, और अभी हम पूर्वाग्रह में ही फंसे हुए हैं। तो जरूरत क्या है हमें? पूर्वाग्रह को तोड़ने की, पूर्वाग्रह को नष्ट करने की, पूर्वाग्रह से आगे बढ़ने की, संकीर्ण विचारों को त्याग करके एक व्यापक विचार को अपनाना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि आज के समाज में सभी लोग एक जैसे हैं, सभी को समान अधिकार है, जो जैसा जीना चाहे। हाँ, जीने का मतलब किसी दूसरे को बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। अच्छा, बात यह है कि जैसे अभी आपने भेदभाव देखा था मेल और फीमेल में, वैसे ही आइए आपको हम पूर्वाग्रह भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं। पूर्वाग्रह ऐसा नहीं है कि केवल मेल और फीमेल में देखने को मिलता है, फीमेल फीमेल में भी देखने को मिलता है, मेल मेल में भी देखने को मिलता है, है ना। जैसे गोरे रंग वाले अच्छे होते हैं दिल के, काले रंग वाले नहीं अच्छे होते, है ना। जो इंग्लिश बोलते हैं वो अच्छे होते हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं वो ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। शारीरिक संरचना के आधार पे जो हष्टपुष्ट है, सुंदर है, गोरा है, आंखें हैं, वो अच्छा है। जो दुबला पतला है, सांवला है, वो सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है। स्थिति, है ना, सामाजिक और आर्थिक स्थिति देख सकते हैं। अगर जिसकी अच्छी है लोग उससे ज्यादा बोलना चाहते हैं, जिसकी कमजोर है उससे दूर रहते हैं। पहनावा को देख करके पूर्वाग्रह, है ना, कि अगर ये अच्छा कपड़ा पहना है तो दिल का अच्छा है, जो खराब कपड़ा गंदा कपड़ा पहना है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ये सारी चीजें किस जाति में, धर्म में, ये सारी चीजें किसके उदाहरण है भैया? ये पूर्वाग्रह के हैं, जो मेल मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल फीमेल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वाग्रह केवल मेल और फीमेल में ही नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह मेल और मेल में भी हो सकता है, फीमेल और फीमेल में भी हो सकता है, जिसका आधार आपके PPT पर लिखा हुआ है, भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, शारीरिक संरचना के आधार पे, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए, ये आपने क्या पढ़ा? पूर्वाग्रह पढ़ा, आपने लैंगिक भेदभाव पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है या इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसमें एक शिक्षक का क्या रोल हो सकता है, एक टीचर की क्या भूमिका हो सकती है? तो सबसे पहली भूमिका क्या है? सीटेट की दृष्टि से आंख खोल करके पढ़िए। ठीक है, लड़के व लड़कियों को समान अधिकार देना चाहिए। किसको? एक अच्छे शिक्षक को। लड़के और लड़कियों को समान अधिकार देना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। लड़के व लड़कियों को समान लड़के व लड़कियों से